नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इस साथ में क्या सबसे बड़ी चीज़ इनका है कि इनका इंस्टीट्यूट है, अपना कोचिंग चलाते हैं। और इनका क्वेश्चन है कि सर बताइए कैरियर में क्या ग्रोथ करने का चांस है, और बाकी इनका यही क्वेश्चन है कि जीवन में पैसे कमाने को लेके सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सुख पर्वत की बात करें। अगर सुख पर्वत इस तरह का हो, देखिए सुख पर्वत अगर एकदम स्पष्ट हो, उस पर रेखाएं ना हो, इस तरह की रेखाएं ना हो, या फिर तो ऐसे में इस तरह का पर्वत पूर्ण रूप से अच्छा नहीं माना जा सकता। क्योंकि सुख पर्वत पे अगर रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ होती है। कई लोगों का पर्वत होता है बिल्कुल क्लीन होता है, तो ऐसे में जो है होता क्या है, जितना सुख पर्वत पे अगर इस तरह की रेखाएं हैं तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनके अंदर इमेजिनेशन का बहुत बड़ा पावर होता है, चीज़ों को ज़्यादा क्रिएट करते हैं, नई नई चीज़ों को इनको क्रिएट करने के अंदर इनके अंदर काबिलियत रहती है। और फिर करंट टाइम में जो सोसाइटी या समाज में जिस तरह की बिजनेस आइडियाज हो, या बिजनेस को लेके आइडियाज हो, या फिर काम करने का तरीका हो, तो बखूबी इनके अंदर जो है दिखेगा अगर इस तरह की रेखाएं हैं तो। ये जो है सोशल मीडिया और जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट या सारी चीज़ें, इसमें इनका लगाव बहुत अच्छा खासा होता है, या यूँ कह सकते हैं इनको अपडेट बढ़िया रहता है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए इनके हाथ में सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पे एक छोटी क्या अच्छी खासी विद्या रेखा आप देख पा रहे हैं। ऐसे में इनकी जो काबिलियत है टीचिंग करने का या पढ़ाने का, जो इनकी काबिलियत है उसको ये दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर जो है मोटिवेट करने का या लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट करने का स्किल होता है। क्योंकि इसका एक उदाहरण और है, ये आप बुध उंगली को और सूर्य उंगली से जब आप तुलना करेंगे तो फर्स्ट प्लेन से बड़ी है। तो ऐसे में इनके अंदर जो है ये काबिलियत होती है कम्युनिकेट करने में, अच्छे खासे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर काबिलियत होती है। तो इस तरह से अपने जीवन में अपने विद्या और बल के दम पे, विद्या के दम पे ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बखूबी बहुत बढ़िया जो है बेनिफिट मिलता है। सूर्य पर्वत पे चुकी रेखाएं स्पष्ट दिख नहीं रही हैं, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में मैं जाने का प्रयास नहीं करूँगा। बृहस्पति पर्वत की बात करें तो बृहस्पति पर्वत भी ठीक ठाक है, उभरा हुआ, तो ऐसे में पारिवारिक पूरा सपोर्ट रहता है ऐसे लोगों के ऊपर। हाँ, एक चीज़ है कि आप मनी ट्रायंगल भी देख पा रहे हैं अच्छा खासा बना हुआ, और ऐसा मनी ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अपने दम पे पैसा कमाता है अगर इस तरह का मनी ट्रायंगल है। बाकी अगर आप